टीम के किसी क्रिकेटर को अब महेंद्र सिंह धोनी की नंबर 7 वाली जर्सी नहीं मिलेगी। धोनी ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में नंबर 7 वाली जर्सी पहनी। 3 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी 7 नंबर जर्सी को भी रिटायर करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने खेल के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी के योगदान को यादगार बनाने के लिए ऐसा किया है। इस तरह का सम्मान सचिन तेंदुलकर को मिला था। 2017 में तेंदुलकर की 10 नंबर वाली सिग्नेचर जर्सी को रिटायर कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने अब सभी क्रिकेटर्स को बता दिया है कि उनके पास तेंदुलकर और धोनी वाली जर्सी का विकल्प नहीं है। खासकर डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को ये सूचना दे दी गई है। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है कि जर्सी पर नंबर 10 पहले ही ऑप्शन से बाहर था। अब नए खिलाड़ियों के लिए 7 नंबर वाली जर्सी का भी विकल्प खत्म कर दिया गया है। वही टीम के वर्तमान खिलाड़ियों से कहा गया है कि वो धोनी वाली जर्सी का विकल्प ना चुने। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी खिलाड़ियों को 1 से 100 के बीच किसी भी नंबर की जर्सी को चुनने का विकल्प देता है, लेकिन भारत में इसके विकल्प सीमित हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने एक अधिकारी के तौर पर बताया कि भारत में फिलहाल 60 नंबर्स का विकल्प है। कोई खिलाड़ी अगर लगभग 1 साल तक टीम से बाहर भी रहे तो उसका नंबर किसी को नहीं दिया जाता। इसके चलते डेब्यू करने वाले नए खिलाड़ियों के पास लगभग 30 नंबर्स का विकल्प बचता है। दिग्गज खिलाड़ियों की जर्सी रिटायर करना खेल की पुरानी परंपरा है। 2017 में तेज गेंदबाज सुरदल ठाकुर सचिन की जर्सी नंबर 10 पहनकर मैदान में उतर गए थे। इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने लिखा, शार्दुल सचिन बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीसीसीआई के हस्तक्षेप के बाद ठाकुर ने अपनी जर्सी को बदल लिया और वे 54 नंबर की जर्सी पहनने लगे। वर्तमान विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 और रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है।